नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमें दिल्ली के जंतर मंतर पर और यहां दो बच्चों को जो बेरहमी से बड़ी मारा गया है मध्य प्रदेश के शिवपुरी में, वहां वाल्मीकि समाज के जो बच्चों को जो मारा गया है और बड़ी बेरहमी से मारा गया है, बर्बरता से मारा गया है, सोच करते हुए उन दो बच्चों की जो है मौत हत्या कर दी है। तो उसी को लेकर, उनकी फांसी की सजा को लेकर जो है आज जंतर मंतर पर जो वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं, समुदाय के जो लोग हैं, वो यहाँ इकट्ठा हुए हैं और फांसी की मांग कर रहे हैं। और 12 वर्षीय रोशनी और अविनाश 10 वर्षीय का जो परिवार है उसको 1 करोड़ रुपया और फ्लैट और उसको ज़मीन जो है वो दी जाए और सरकारी नौकरी भी उसको दी जाए, ये मांग जो है वाल्मीकि समाज, पूरे देश का वाल्मीकि समाज वो कर रहा है। तो यहाँ पर बड़े जोर शोर के साथ जो है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। ये देखिए, दिल्ली के जो युवा हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं और प्रदर्शन में जो है हिस्सा ले रहे हैं। अविनाश और रोशनी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, जातिवाद नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, जातिवाद नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। उसका झोपड़ी जैसा, झोपड़ी नुमा घर, मामूली सी झोपड़ी का घर, उसके बावजूद इसके परिवार ने शौचालय बनाने के लिए ग्राम प्रधान को अपना आवेदन दिया था और उस आवेदन को भ्रष्ट ग्राम प्रधान ने रद्द कर दिया और उसको शौचालय बनाने की परमिशन नहीं दी। मुझे ये दिल्ली के नागरिकों बताओ, शौचालय है नहीं, बनाना चाहते हैं, प्रधान आज्ञा नहीं देगा, तो एक परिवार शौच करने कहां जाएगा? निश्चित तौर पर वो खेत और जंगल में जाएगा और वही इन नादान बच्चों ने ये गुनाह किया और इसकी सजा जो मिली है वो अमानवीय सजा है कि उन्हें डंडों से पीट पीट कर मार दिया गया। मेरे साथियों, इस जुल्म को और भी भयावह बनाता है पुलिस की जांच पड़ताल में पुलिस ने जब उससे इस जुल्म की वजह जानना चाही, उस पूछताछ में उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने इसलिए इस परिवार को मार दिया, इन बच्चों की हत्या की, कि सपने में मेरे श्री राम आए थे और श्री राम ने मुझसे कहा कि आपको दुष्टों का हरण करना है। मेरे दोस्तों, सपने में हुए राम के निर्देश का वास्ता देकर इस यादव परिवार के व्यक्ति ने डंडे उठाए और उनको मौत के घाट उतार दिया। हम किस युग में जी रहे हैं, किस संस्कृति का हिस्सा है हम उस संस्कृति का हिस्सा है जिसमें हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, हम उस संस्कृति का हिस्सा है जो दुनिया की श्रेष्ठतम संस्कृति अपने आप को घोषित करने का ढोंग करती है। मेरे दोस्तों, हम उस मानसिकता के खिलाफ जंग का ऐलान करने चाहते हैं इस पंथ से। कौन सी सोच? उस सोच में जिसमें मनुष्यवृत्ति कहती है कि शूद्रों को और दलितों को शिक्षा का अधिकार नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए।
वो मनुस्मृति जो लिखित में कहती है कि शूद्रों को संपत्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए, और अगर शूद्र संपत्ति अर्जित कर लेते हैं तो इस धर्म के ठेकेदारों का यह अधिकार है, ब्राह्मणों और क्षत्रियों का यह अधिकार है कि वो जाए और शूद्रों की उस संपत्ति को अपने अधिकार में ले लें और फिर से उस शूद्र को संपत्ति विहीन बना दे। ये किसी एक व्यक्ति के कहने का सवाल नहीं है, हमारे धर्म ग्रंथ तथाकथित धर्म ग्रंथ ये व्यवस्था लिखित में हमें देते हैं। हमें उस व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए तत्पर होना पड़ेगा दोस्तों। ये वास्तव में उस सोच के खिलाफ संघर्ष और इस सोच के खिलाफ संघर्ष की भूमिका बना रहा है। कहते कैच को भारत आजाद, कहते कैच को कहते शहीद आजम, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मंगल पांडे ने कुर्बानियां दी। क्या उनका ये सपना था? उनका सपना ये नहीं था, उनका सपना था छोटे बड़े में फर्क ना रहे। तो मैं बड़ा दुखी हूं इस बात को लेकर के जो मैंने देखा, जो मैंने अभी सुना। आप भी काम करें और इसके ऊपर जो मेरे से हो सकता है इसकी आवाज मैं भी उठाऊंगा। वंदे मातरम। क्या है क्या आगे ऐसी कोई आप रणनीति करने जा रहे हो या कोई ऐसी संगठन बनाने जा रहे हो जो पूरे देश में जहां जहां दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर कोई दिल्ली से कोई कार्यवाही कर सके? और क्योंकि जो पूरा देश है जहां कोई सुनवाई नहीं है, कोई प्रशासन नहीं सुनता कि दलितों की, तो वहां जो दिल्ली पर जो है वो पूरे देश के लोग जो है वो टकटकी लगा कर जो है वो इंतजार करते कि दिल्ली वाले मदद करेंगे, तो दिल्ली वाले क्या क्या करना चाहेंगे इसमें आगे? देखिए, दिल्ली वाले का आप रोज देख सकते हैं, यहाँ पे सुबह से ही हजारों की तादाद में लोग जुड़े हुए हैं और उनको प्रोटेक्शन देने के लिए ही यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं। और जैसे भी हम पूरे समाज के साथ हैं जी। और जो भी पहली बात तो यही मांग करेंगे कि उन्हें फांसी मिले, अपराधी है जो उन्हें फांसी ही मिले। जी बिल्कुल, देखिए फांसी की यहाँ मांग की जा रही है और बार बार मांग यही की जा रही है। और बिरजू पहलवान जी भारत हिंद केसरी हैं और बहुत बड़े पहलवान हैं ये भारत के और इंटरनेशनल पहलवान हैं। सामने जो प्ले कार्ड है इस पर लिखा हुआ है कि रोशनी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अविनाश हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। दो मासूम बच्चे किस तरह से उनको मारा, किस तरह से उनको पीटा गया, वो दरिंदे आज हमारी आंखों के सामने उनकी पिक्चर है। किस तरह से उनको लाठियों से मारा गया, किस तरह से उनके हाथ पैर तोड़ दिए, छोटे छोटे बच्चों के, 12 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, भगवान के नाम पर। कातिल कहता है कि मुझे भगवान का आदेश था, इन राक्षसों को मार दो, और जबकि हम बच्चे में भगवान का रूप देखते हैं। और ये कातिल कहते हैं कि इन दलितों को मार दो, इन राक्षसों को मार दो, एक हो जाओ। वक्त बदल रहा है, समय बदल रहा है। वहां कांग्रेस की सरकार है, एससी मोर्चा भी होता है कांग्रेस में, एससी विंग भी होता है, लेकिन कांग्रेस का कोई भी पदाधिकारी वहां नहीं बोल रहा क्योंकि सरकार है उनकी। वहां बीजेपी की 15 साल सरकार रही, वो भी नहीं बोल रहे। वहां भी एससी मोर्चा होता है, शेड्यूल कास्टों का मोर्चा होता है। बड़े दुख की बात है जब ये मोर्चे के लोग ही नहीं बोलेंगे, दोनों राजनीतिक पार्टियों के सामाजिक संगठन अपनी आवाज उठा रहे हैं वहां। ये एससी मोर्चा के लोग, चाहे कांग्रेस के हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, इनका हक बनता था, इनका फर्ज बनता था
जब समाज के बच्चों को मार रहे थे, वो तो वहां नहीं थे उस वक्त, लेकिन जब उनकी हत्या होगी तो उनको वो आवाज उठानी चाहिए थी, लेकिन वो उन लोगों ने आवाज नहीं उठाई।